सी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था फिल्म बनाना, क्योंकि मैं लोकेशन पे गया, मैंने शूट किया, मुझे हर आदमी ने वहाँ सपोर्ट किया शूटिंग करते समय। चैलेंजिंग हो गया उसके बाद रिलीज़ करना, तो फिर हमने इसको नेशनल अवार्ड मिल गया, तो एक बूस्ट मिल गया इसको रिलीज़ करने के लिए, मुझे सपोर्ट मिलने लगा, लोगों ने बोला रिलीज़ करो, विल हेल्प यू, तो दैट्स व्हाई वी आर रिलीज़िंग। तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया लड़का मिला है, पढ़ा लिखा, संस्कारी। अभी बात आप हमको सिखाइएगा हैं कि दिल्ली की लड़की कैसी होती है। चल उड़ा उड़ा चल। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दोस्त को किडनैप किया गया, उसके साथ शादी हो गई, तो उसने मुझे कहानी बताई और हमेशा रहती थी जहन में। जब फिल्म बनाने की सोचा तो मैं उसको फिर फ़ोन किया, फिर से वो कहानी सुनी, फिर उस पर थोड़ा रिसर्च किया और फिल्म बनाई। हमको काहे किडनैप करवाए? 13 तारीख को तुम्हारा ब्याह है। मैं कोशिश करके उनको लेना चाहता था जो उस भाषा से थोड़े से कंफर्टेबल हो, तो इसलिए मैं मोस्टली जैसे विनय पाठक हैं बिहार से हैं, अखिलेन मिश्रा बिहार से हैं, स्वाति सेन बिहार से हैं, तो मैंने उनको लेना पसंद किया, मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज़ करना चाहता था, मेरे लिए काम आसान हो जाता है। क्या कर रहे हो तुम? अरे अब तो मुझे बस 27 तारीख का इंतजार है। क्या तारीख को आपका लड़का गया था? 26 तारीख। इट्स अ इनर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये हर कैरेक्टर जो इस फिल्म में इन्वॉल्व है उसको अपने आप से सवाल करता रहता है कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसलिए फिल्म का नाम मैंने अंतर्जन रखा। कि सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर लोग या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये बहुत लोकली बेस्ड है बिहार में, बाहर वालों को मालूम चलेगा तो हो सकता है इसको अपोज करें, इसके बारे में पेपर में आए, इसके बारे में चर्चा हो, तो शायद पुलिस भी उनको हेल्प करे कि ऐसा ना हो। बोलिए मेहमान जी।